हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम एसएससी जीडी का स्पेशल जीके का कुछ प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब होगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाने वाले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिलाद उद नबी को पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक के से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाहजहाँ। शाहजहाँ से आगरा के मोती मस्जिद संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग की बीच आ रहा है कि रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। देखिए ये 14/2/2019 को तृतीय पाली में एसएससी जीडी में ये आया हुआ है। तो रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। इसका सही जवाब होगा 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है। जो संत अंडाल थे वो किससे संबंधित हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैष्णव से। तो भक्त अंडाल थे वो वैष्णव से संबंधित हैं। क्वेश्चन गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई। स्कूल ऑफ आर्ट गंधार कला शैली किस राजवंश के द्वारा विकसित हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुषाण वंश के द्वारा। गंधार कला शैली विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ये भी एसएससी जीडी का 18/2019 का द्वितीय पाली में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तानसेन। राग मियां का मल्हार तानसेन के द्वारा सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत एक खोज के लेखक जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि कांगड़ा चित्र शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब होगा यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। ऑप्शन सी यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से उत्पत्ति हुई। तो इसका ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम से। सत्रिय नृत्य की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। आगे हम देखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है।
VVI इम्पोर्टेंट है, VVI इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर आप लोग को उड़ीसा में स्थित है, डी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि भारत की रियासतों का एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, भारतों को रियासत के एकीकरण में किसने निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका सही जवाब होगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो आगे हम देखेंगे कि 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, इसका सही जवाब होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना ने और शौकत अली ने किया था। तो आगे देखेंगे कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।